हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचर और गाई। मैं आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, ये वाला मेकअप लुक आलिया भट्ट से इंस्पायर्ड मेकअप लुक है गाइस। बहुत ज़्यादा इंडियन फेस्टिवल टाइप का मेकअप लुक है, बहुत सुंदर है। सो इस मेकअप लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो गाइस, सबसे पहले स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेकअप कर रहे हो तो स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें। सो मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे का पीच मिल्क ले रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैं ये वाला पीच मिल्क लेती हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। उसके बाद हम अपनी स्किन पर प्राइमर अप्लाई करेंगे। सो ये कलर बार का प्राइमर है। और गाइस, मेकअप से पहले प्राइमर यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्किन को मैटिफाइन करने के साथ साथ आपकी स्किन को काफ़ी स्मूथ कर देता है। उसके बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे। सो ये फिटमी का फाउंडेशन है इन दी शेड 128। सो गाइस, इसको अच्छी तरह से डैप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करते जाना है गाइस। फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जितने अच्छे से आप फाउंडेशन को ब्लेंड करते हो, उतना ही अच्छा आपका बेस बनता है। उसके बाद हम अपनी आई एरिया पर कंसीलर लगाएंगे। सो ये एनवाईवी का कंसीलर है, इसको भी अपने आईलेट पे आंखों के नीचे पूरे में लगा लीजिए और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए गाइस। अगेन, ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है ताकि आपकी आई, जो भी आप आई मेकअप करें उसके बाद कोई भी कट क्रीज आपकी आई मेकअप पे ना दिखे और आई मेकअप एकदम फ्लॉलेस दिखे। उसके बाद हम अपने पूरे मेकअप बेस को सेट करेंगे। सो यहाँ पे मैं फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ गाइस। मेकअप को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है ताकि कोई भी ऑयल वगैरह आपके फेस पे ना आए और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और काफ़ी देर तक आपकी स्किन पे स्टे भी करे। सो इस वाले मेकअप लुक में आलिया भट्ट के फेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं था, बिल्कुल नेचुरल था। उसके बाद हम अपने फेस पे ब्राउन्जर अप्लाई करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर लिया है और ऐसा ब्राउन्जर अपने फेस पे लगा लिया है और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए ताकि आपकी आपको फेस काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखे। आलिया भट्ट के फेस पे बहुत ज़्यादा ब्राउन्जिंग नहीं थी, मैंने बिल्कुल हल्की सी की है। उसके बाद हम अपने फेस पे ब्लश लगाएंगे। सो स्वीस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट है और हल्का सा पिंक कलर लेना है हमें और अपने फेस पे एज अ ब्लश लगाना है गाइस। आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ गाइस, बिल्कुल हल्का सा ब्लश लगाना है। यहाँ पे मेरे फेस पे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया तो मैं उसे बाद में सेट कर लूँगी। और अब हम आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे। सो आलिया भट्ट का जो आई मेकअप था वो थोड़ा सा पिंक कलर, पीच कलर का था, तो मैंने पहले पिंक कलर लिया है, थोड़ा सा ट्रांजिशन कलर लिया है ताकि इसके बाद हम जो भी डार्कर शेड लगाएं वो अच्छे से मर्ज हो जाए। और आप देख सकते हैं मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ गाइस। आई शेडो में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। उसके बाद आलिया भट्ट ने अपनी आईलेट पे थोड़ा सा ग्लिटर लगाया हुआ था जो कि पिंक ग्लिटर था, तो मैं भी सेम वैसा ही कर रही हूँ गाइस। अपनी उंगली की हेल्प से ग्लिटर अपनी दोनों आईज पे लगा रही हूँ गाइस। अब यहाँ पे उसके बाद आलिया भट्ट ने थोड़ा सा काजल लगाया हुआ था तो मैं यहाँ पे थोड़ा काजल लगा रही हूँ गाइस। इसको भी अच्छी तरह से लगा लीजिए और काजल को मैं पिंक कलर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। जो हमने पहले ट्रांजिशन कलर लिया था ना, वही मैं अपनी लोअर आईलेट पे लगा रही हूँ और सेम हमें दूसरी आई में भी करना है। काजल के साथ इसे अच्छी तरह से मार्च करना है। उसके बाद हम अपने फेस, अपनी आईब्रो को सेट करेंगे। सो आईब्रो को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आलिया भट्ट की जो आईब्रो थी काफ़ी थिक थी और नेचुरल थी, तो सेम मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। इस पुली की हेल्प से इन्हें सेट कर रही हूँ। उसके बाद हम अपनी आईलेसेस पे मस्कारा लगाएंगे। सो मस्कारा के 2 से 3 कोट मैंने लगाए हुए हैं। आलिया भट्ट ने कोई भी अपनी आईज पे फेक लैसेस नहीं लगाई थी, ओनली मस्कारा लगाया होता। उसके बाद हम अपने फेस पे हाइलाइटर लगाएंगे। बिल्कुल सटल सा ग्लो चाहिए था, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया है स्विस ब्यूटी की अल्ट्रा ब्लश पैलेट में से। और आलिया भट्ट की जो पिंक लिपस्टिक थी वो पिंक नेचुरल थी, तो मैंने ये पिंक कलर की लिपस्टिक ली है और जैसे कि मैं लिपस्टिक लगाती हूँ मैं वैसे ही लगा रही हूँ, आलिया भट्ट की तरह ही अपने लिप्स को कर लिया है। और ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक। सो गाइस, आप ज़रूर बताइए कि यह एक वाला लुक कैसा लग रहा है। आलिया भट्ट के फेस पे बहुत कम मेकअप था, बहुत इंडियन टाइप का मेकअप लुक था, काफ़ी अच्छा था, बहुत सुंदर लग रही थी। और जितना भी उनने मेकअप किया था तो मैंने सेम टू सेम अपनी वीडियो में किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, सो आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।